So the internet needs to hear one last time. NIT rocks. Thank you. जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं सब कुछ सच है, नो फिक्शन, नथिंग मेड अप. नेक्स्ट. दो हजार किताबें पढ़ ली, कितनी कंपनियां खोल ली, कितने गुरु उसके पास चले गए, कितने ब्रेकअप हो गए और 25 साल का योग में, और ये सब सीखने के बाद आपके सामने खड़ा और कुछ नहीं. जितना आज वो ज्ञानबाजी थी ना, आज आपके सामने उसके साथ किताबें लिख ली, किताबें पढ़ ली, टीवी शो देख लिए, गेम्स खेल ली, जो जो आप चीजें सोच सकते हो वो सारा कर लिए. आज वही सब आपके यहाँ शेयर करने आ रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी आप वो ना करो, कुछ अलग. ठीक है? यस और नो? यस. ग्रेट. नेक्स्ट. अंडर प्रोसेसिंग. जो आज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए पहली कॉशन, इस कमरे में आज एक ब्रेकअप होगा. एक ब्रेकअप. सॉरी सर, कुछ अलग तरीके की चीज सिखाने आ रहा हूं. नेक्स्ट. कितने लोग इस कमरे में 100% सिंगल है? से आए दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है. ओके. नेक्स्ट. कितने लोग इस कमरे में कमिटेड है, रिलेशनशिप में है? क्या नेक्स्ट. कितने लोगों को प्यार हुआ है? बाकी सब तो नहीं हुआ, कुछ है यार. कितने लोगों का दिल टूटा है? सालों से बॉलीवुड और हॉलीवुड ऐसी पिक्चरें हमें दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि यार हैप्पीली एवर आफ्टर, प्यार में पड़ गया, रिलेशनशिप हो गया, हैप्पीली एवर आफ्टर. पर कोई बात नहीं करता कि उसके बाद क्या, अगर ब्रेकअप हो गया तो क्या. आज मैं उसके बारे में बात करूंगा. सॉरी, स्टार्टअप ज्ञान कुछ अलग तरीके से देने का प्लान है. नेक्स्ट. हजारों साल पहले मैन वॉज कंसिडर्ड गॉड, उसके पास वही पावर थी जो आज हम गॉड में कंसिडर करते हैं. सडनली गॉड रियलाइज दैट मैन वॉज मिसयूजिंग दीज पावर्स, अब्यूजिंग दीज पावर्स, एंड सडनली गॉड डिसाइडेड, द सुप्रीम गॉड, यार अब ये पावर पे छुपा देनी चाहिए. सो पहला ऑप्शन जो उसके एडवाइजर्स ने दिया कि जमीन के अंदर गाड़ दे, बहुत गहरा. एंड सुप्रीम गॉड सेड इंसान ढूंढ लेगा. नेक्स्ट. दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दे कि यार ओशन के अंदर डाल दे, एंड सुप्रीम गॉड सेड इंसान तब भी ढूंढ लेगा. आखिरी ऑप्शन कि उसे टॉप ऑफ द माउंटेन, हिमालय के ऊपर कहीं ऐसे टॉप पे डाल देते हैं, तब नहीं ढूंढ पाएगा ये पावर को. गॉड ने कहा बस ये तब भी ढूंढ लेगा. देन द सुप्रीम गॉड टर्न्ड अप इस पावर को. नेक्स्ट. उसके दिल में डाल दिया, इंसान के दिल में. नेक्स्ट. और वो सिर्फ दो ही चीजों से एक्सेस हो सकती है, या तो प्यार या ब्रेकअप. बहुत सिंपल है, राइट? सिर्फ लव या ब्रेकअप. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सबसे, अपने साइड वाले पार्टनर के लेफ्ट या राइट उससे हाथ मिलाइए, उसकी आंखों में आप डाल के देखिए 20 सेकंड. जब तक 20 सेकंड राइट आउट, शेक द पर्सन हैंड ऑन योर राइट लेफ्ट. जिसके पास पार्टनर नहीं है अपने साइड में. शिवांगी 20 हो गए. एवरीवन उसकी आंखों में आके डाल के देखिए विद अ स्माइल.
ट्राई करा? किसने करा? ओके आपका नाम? नचिकेत। नचिकेत अंकुर, अंकुर कैसा लग रहा है तुमको? इंडिविजुअली अंदर से कैसा लग रहा है? अच्छा था ना? अच्छी फीलिंग थी बस। थैंक यू। ये जो आप अभी आपने फीलिंग देखी, इसे प्यार में छोटी क्वांटिटीज में कहते हैं। केमिकल लोचा जो आप सबके दिमाग के साथ अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट, अगर यही सेम केमिकल लोचा आपको और चाहिए तो चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? सभी खाते हैं। सेम चीज, चॉकलेट क्या से फील गुड फीलिंग आ जाती है अचानक से। कितने लोग यार एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, है ना? ये फीलिंग जिम से निकलने के बाद कैसा लगता है? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इतनी एनर्जी, इतना एंथुसियाज्म, भाई पसीने पसीने हो गए अभी तो इतना माल सामान दिखाया था, पर तब भी एक एनर्जी सी आती है, कुछ भी कर सकते हो। वो फील गुड फीलिंग जिम से भी आती है। नेक्स्ट, इसे मैं कहता हूँ केमिकल लोचा, जो आपके दिमाग में हर टाइम होता है। और सबसे बड़ा केमिकल लोचा आज की जनरेशन में है, नेक्स्ट, प्यार। कोकेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पास ऑन भी हो सकती है कभी भी कैसे भी। नेक्स्ट, पास ऑन कैसे? बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा बिलियनियर, बड़े से बड़ा कुक अपने इमोशंस अपने आर्ट पीस में डालते हैं। समझ आया? नेक्स्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, पोएम हो, कुछ भी, वेदर इट्स अ मूवमेंट और इवन द डिश, अभी भी सोच रहे हो। नेक्स्ट, ग्रीक्स इसे कहते हैं मिराकी, वो एनर्जी जो दिल से इमोशनली दी जाती है। कितने लोगों ने माँ का खाना खाया है? सबने खाया है। सबसे टेस्टी वही होता है क्योंकि ये वो एनर्जी उसके पीछे होती है, मिराकी। दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इस एनर्जी की छोटी सी प्रॉब्लम है, इसे उस इंसान के लिए निकलती है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, सिर्फ उसी के लिए। कितने लोगों ने, कितने लड़कों ने, चलो चांद तारे तोड़ डालने का प्रॉमिस करा है? ठीक है, फंडिंग ले आऊंगा मैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट। कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल टास्क, कोई ऐसा टास्क जो आप अपने बारे में सोच भी नहीं सकते, आप उसका प्रॉमिस करते हो। ड्यूरिंग लव यही सिनेरियो होता है, प्यार के टाइम पे आपको सिर्फ वही दिखाई देता है, उस इंसान के लिए कुछ ऐसा कर जाना जो कभी सोचा भी ना। नेक्स्ट, क्या हो गया? अब आते हैं हार्ट ब्रेक की तरफ। नेक्स्ट, तो यह जिसका दिल टूटा है, कोई तो होगा, कोई एडमिट ही नहीं करना चाहता। चलो नेक्स्ट। ओके, जब मैं दिल टूटने की बात करता हूं, चाहे आपका पार्टनर हो, आपका पेरेंट हो, या आपका सपना हो, या कोई ऐसा हो जो दिल के करीब हो, नेक्स्ट, जब वो चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, आपके ऊपर चीट करे, कुछ भी, या आपको सिर्फ मना कर दे, तब वो दिल टूटता है। दिस इज वॉट आई मीन विद द हार्ट ब्रेक। जब सपने टूटते हैं ना, तब की फीलिंग। नेक्स्ट, अब आप तो पूछोगे यार हार्ट ब्रेक तो ठीक है, पर मेरे में और आप में क्या फर्क है? मैं स्टेज पे क्यों और आप यहाँ क्यों? कोई रीजन? ओके, इसका आंसर है, किसको ये चाहिए गोल्ड मेडल? सबसे पहले हाथ रेस कर। आपका नाम? आदित्य। आदित्य, फर्क सिर्फ इतना ही है, आप में से कुछ लोग सोच रहे थे मांगू या ना मांगू, कुछ लोग सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। आदित्य ने सिर्फ कर दिया, यही फर्क है आप में और मेरे में,
और आदित्य और आपने, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदित्य। प्लानिंग नहीं करनी, इतना ज्यादा नहीं सोचना, इस वजह से मैं स्टेज पर, और कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट, 2005 में, आज से 12 साल पहले एक स्केच बनाया लड़की का, ठीक है कोई भी बना सकता है। नेक्स्ट, 2007 में फिर से एक और एक स्कल्पचर बना दिया मैंने, स्कूल में ही था मैं अभी। नेक्स्ट, 2010 से 12 के बीच में मैंने 3 कॉलेज छोड़ दिए, 3 लिंका रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करा था पर उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट, 2014 में मैं 23 साल का था और 16,000 थंबप्रिंट्स के साथ शिव और पार्वती की पेंटिंग बना दी, 3 हफ्ते उंगलियां चली गई, हालत खराब पर तब ये पेंटिंग बना दी। अभी भी तीन कॉलेज छोड़ दिए, कितनी कंपनियां खोल के बंद कर दी, कितनी किताबें लिख ली, कितनी पेंटिंग बना दी, कितना म्यूजिक निकाल दिया। नेक्स्ट, ध्यान से देखा तो इन सबके पीछे एक पैटर्न था, अपनी 12 साल की जिंदगी में जो जो चीजें क्रिएट करी उस सबके पीछे एक पैटर्न था, हार्ट ब्रेक। जब भी दिल टूटा कुछ बनाने लग गया, वो गुस्सा, वो इमोशन, वो एनर्जी एक चीज से निकाल दी, चाहे वो 14 साल की उम्र में जब पहली बार क्रश होता है तब के टाइम में स्केच बनाने से लेके आज के टाइम पे ज़करबर्ग की तरह अगली कंपनी खोलने की तरह, तो बस वो एनर्जी चैनलाइज कर दी। नेक्स्ट, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, whether I fall down and cry or should I get up and try, that's it, दिल टूटने के बाद। सिर्फ इतना फॉर्मूला तब समझ आ गया, अचानक से दुनिया बदल गई, आसपास चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। नेक्स्ट प्लीज, अब मुझे लग रहा है मैं अकेला पागल हूँ क्या दुनिया में, मेरे माँ बाप मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, गुरु स्वामी बाबा आप बोलो उनके पास मैं जा चुका हूँ, क्योंकि उन्हें भी लगा मैं पागल हूँ। नेक्स्ट प्लीज, पर रिसर्च के बाद पता लगा कि बड़े से बड़ा मास्टरपीस एक आर्टिस्ट अपने हाथ में बात बनाता है, बड़े से बड़ा मास्टरपीस। नेक्स्ट, कितने लोग इसे जानते हैं? हाँ नाम तो ठीक है लिखा हुआ है। हाँ जी, ओके, जून 17, 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज, और 1632 में एक असाइनमेंट निकलता है कि ये बनाना है, आपको पता है इस क्या है, राइट? गेस करो कि कितने का बना होगा अगर आज की डेट में बनवाना होगा, अपने समय के लिए आपने बनवाना होगा, उसके जाने के बाद कितने पैसे लगेंगे? एनी गेसेस? कितना? ओके, क्लोज, 3000 करोड़। चलो ऐसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, आप अपने लवर के जाने के बाद कितने पैसे खर्चेंगे? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, बीस साल और 5,500 करोड़ उस टाइम पे अगर कैलकुलेट करे जाए, उतना शाहजहां ने खर्च करा सिर्फ एक याद के लिए, सिर्फ उस प्यार के लिए। नेक्स्ट, एमी वाइनहाउस, अडेल, अलेक्जेंडर, शेक्सपियर, बड़े से बड़े इतिहास में जितने आर्टिस्ट रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ ब्रेकअप अच्छा है, दिल टूटा इसलिए करा, स्कार्स अच्छे हैं, चोट लगी थी तो दिखा रहे हैं, शर्मा नहीं रहे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट,
दुनिया उन लोगों ने नहीं बदली थी जो पीस ऑफ माइंड या मेडिटेशन प्रमोट कर रहे थे, बदली उन्हें थी जिन्हें एक्शन में प्रॉब्लम थी, एक्शन में जैसा सिस्टम चल रहा है पसंद नहीं था, जिनमें वो इमोशनल एनर्जी थी कि हाँ मैं इस देश को आज़ाद करूँगा, हाँ मैं घर छोड़ के जाऊँगा, हाँ मैं लड़ूंगा। किसी भी बाबा ने दुनिया नहीं बदली, रेवोल्यूशनरी थे हर कोई जिन्हें सिस्टम से प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्लीज। अगर भरोसा नहीं करते तो एक एक्सपेरिमेंट आज वापसी जाने के लिए कह रहा हूँ, एक हार्ट ब्रेक खुद ट्राई कर लेना वापसी जाकर। नेक्स्ट प्लीज। वही क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, अगर आपका हार्ट ब्रेक हो विल यू क्राई और विल यू ट्राई? क्राई ज्यादा सुनाई दे रहा है थोड़ा सा। विल यू क्राई और विल यू ट्राई? नेक्स्ट। अब यार अब सोचोगे यार फील कैसे आती है ब्रेकअप के लिए, प्रॉब्लम क्या है ये? नेक्स्ट। अब बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, रॉक बॉटम, खत्म, उठ नहीं सकते, इतना दर्द हो रहा है। आपकी फाइट किसी और से नहीं अपने आप से है, रोज अपने आप से, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। कान में कोई बैठे बैठे बोल रहा है आपके कि यार सुबह 5 बजे नहीं उठना, सुबह 6 बजे नहीं उठना, यार आज सो लेते और, यार आज तो संडे है। ये वो फाइट है जो अपने आप से होती है हमेशा आपके कान में बैठे हुए। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जैसा हो रहा है होने दो, और दूसरे जिसमें 5 बजे उठ के कहता है कि हाँ मैच तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा और ट्रेन तो मैं करके जाऊंगा। आप कौन से वाले हो, पहले या दूसरे? दूसरे। अभी भी लोग सोच रहे हैं जैसा हो रहा है वैसा होने दो। तो एक नॉर्मल क्रिकेटर का एग्जांपल लेते हैं, मैच से 6 महीने पहले यार जैसा चल रहा है वैसे चलने देते, जैसे लाइफ चल रही है चलने देते। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर थे 1989 इंडिया के टेस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच में, 5th day ऑफ द टेस्ट मैच, वकार यूनिस की बॉल किसी को दिखाई नहीं देती। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं या कभी देखा है? वकार यूनिस की बॉल किसी को दिखाई नहीं देती, बड़े से बड़ा बैट्समैन आउट हो रहा था उसे बॉल नहीं दिख रही थी, वो सारे वैसे ही थे यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आउट हो गए कोई बात नहीं अगला मैच फिर खेल लेंगे। उसी मैच में एक 16 साल का बच्चा आता है और वो 16 साल का बच्चा वकार उसे देख के हंसता है पहले, और फिर वकार अपनी पहली बॉल मारता है और उसी पहली बॉल से उस बच्चे की नाक पे जाके टप्पा खा के नाक पे जाके लगती है और इंस्टेंटली उसकी नाक से बस खून बहने लग जाता है, उसके इतना ज्यादा खून, उसकी शर्ट पे खून, उसकी बॉडी पे खून, हर तरफ खून ही खून। फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, साल एक निकट आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम पर, और वो आते वहां चलता है, वो कहता है बेटा छोड़ दे, सारी माए वहां पे हड़ताल करने लग जाती है, 16 साल के बच्चे को खेलने कौन देता है, बच्चे को खेल थोड़ी, सब उस पर तरस खा रहे हैं। और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है और सब उसे कह रहे थे यार बैकग्राउंड में जाके बैठ जा, वो भी रेस्ट ले ले, छोड़ दे मैच, इंडिया तो वैसे ही हार रही है, छोड़, सब तरस खा रहे हैं उसके ऊपर। अब उसके दिमाग में यही चीज चल रही है, विल आई सिट ओवर हियर एंड ट्राई और विल आई गेट अप एंड ट्राई, क्वेश्चन कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में चल रहा है। और तभी एक आवाज निकलती है वहां पर, बड़ी पतली सी आवाज, मैं खेलेगा, एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं खेलेगा, मराठी में बोलता है वो, थोड़ा और तेज, मैं खेलेगा, सिद्धू और सारे फिजियोथेरेपी सबको सुनाने बॉस, थोड़ा सा और तेज, मैं खेलेगा, और यही बोलते ही पूरा फ्यूचर बदल जाता है। वो 16 साल का बच्चा वहां से उठता है और वकार यूनिस की अगली बॉल पे चौका मार देता है। पूरे मैच में किसी की बस की नहीं थी आंख से आंख मिलाकर देखने की, पर 16 साल के बच्चे ने बैट वहां सामने रख के वकार की आंखों में आंखें डालकर देखा और वही मैच इंडिया को ड्रॉ कराया 101 रन्स की पार्टनरशिप नवजोत सिंह सिद्धू और जिसे आज हम सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। धन्यवाद।
भगवान वो पहले नहीं था, भगवान उस दिन बना जिस दिन उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट आया। सो विल यू क्राई और विल यू ट्राई? ट्राई। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 25 आई हैव बीन सूड, आई हैव बीन चीटेड, आई हैव बीन इंसल्टेड, टीम छोड़ के जा चुकी है, कंप्लीटली ब्रोक हो चुका हूं। बहुत बार जितने आप नेगेटिव सोच सकते हो ना, फेलियर का थप्पा लगा चुके घर वाले बहुत बार, पर एक चीज समझ आ जाती है कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो इस दुनिया में तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, कल फिर आएगा नया दिन। और ये चीजें मैंने सीखी और वही आपको आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज, एंड दैट्स द वन लाइन व्हिच आई गिव टू एवरीवन, आई माइट बी ब्रोक बट आई एम नॉट ब्रोकन। नेक्स्ट, अब इस पूरे गेम में एक पैटर्न है छोटा सा। जब भी आपका ब्रेकअप होता है, जब भी आप फेलियर हो जाते हो, जब भी सब टूट जाता है, आप एक क्लिफ के एज पर होते हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, किसी चीज से डर नहीं लगता है, तो लगता है हाँ भाई मारना है मार दे, गिराना है गिरा दे, खत्म करना है कर दो, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्लीज, सही आपके अंदर इतना गुस्सा, इतना जेलसी, इतनी इमोशनल एनर्जी आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव। या तो आप इस एनर्जी को अपने ऊपर चलने दो, या इसे फ्यूल की तरह यूज करो, अपनी पेंटिंग, अपनी कंपनी, जो किताब लिखना चाहते थे तब से, जो मूवमेंट निकालना चाहते थे, जो अपने सपने पूरे करना चाहते थे उसके लिए। नेक्स्ट प्लीज, तीसरा और आखिरी, अचानक से दिमाग बहुत खाली हो जाता है, बिजी तो आप पहले भी थे पर जब पूरी तरह खत्म हो जाते ना, मेंटल स्पेस अचानक से बहुत सारी आ जाती है, you start thinking about yourself more। next, action में पता लगता है दिल को क्या चाहिए, क्या दिल मांगता था और कुछ नहीं, उसी टाइम पे जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है ना, next, और उस टाइम पे तुम्हें पता लगता है कि जो जो तुम काम कर रहे थे, थोड़ा सा ये वाला कर लिया, थोड़ा सा इस सोसाइटी में काम कर लिया, थोड़ा इस कंपनी में काम कर लिया, थोड़ा यहाँ इंटर्नशिप कर ली, थोड़ी इस टीचर का काम कर लिया, थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा इस कॉलेज में मैंने काम कर लिया, दे वर ऑल फ्लर्टिंग, रिलेशनशिप नहीं कहूंगा उसमें, दैट वाज फ्लर्टिंग। अगर अपनी कंपनी खोलनी है, अपनी किताब लिखनी, कुछ भी, वो शादी होगी आपकी, कोई शादी करना चाहता है आप? ये वो शादी होगी, दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपके साथ होगी। अगर टॉप करना है, कुछ भी करना है, तो ये होगी। अचानक से आपको समझ आ जाएगा कि जितना भी चीजें आप टाइम पास के लिए कर रहे थे ना, दे वर ऑल फ्लर्टिंग, किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नो फियर, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ मेंटल स्पेस। बस कोई भी सक्सेस किताब उठा लो, यही फॉर्मूला लिखा है अगर ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, फाइनल आपके ऊपर है, विल यू फेल और विल यू यूज दिस थिंग एज अ फ्यूल फॉर योर सक्सेस। नेक्स्ट प्लीज, वही क्राई और ट्राई। नेक्स्ट, लास्ट, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, खुद को कह भुला देना कि खुद खुदा भी कहे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ जी, अंडरस्टैंड कि आपका लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं एंड यू हैव ओवरकम अ लॉट, राइट? बट सिटिंग बिसाइड्स अदर स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वी गोइंग टू इंजीनियरिंग, सम गोइंग टू इंजीनियरिंग थिंकिंग कि बहुत जॉब सिक्योरिटी है, दैट विल गेट अ जॉब, मंथली सैलरी आएगी, सब ठीक है। वी हैव बीन टॉट लाइक दैट कि एक जॉब फिक्स कर लो, पकड़ लो, इन अ कंट्री जहाँ जॉब बहुत मायने रखती है, क्योंकि मंथली सैलरी आएगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ सेट है, कोई टेंशन नहीं होगा। वैसे में हाउ डू यू एडवोकेट और प्रमोट समथिंग लाइक दिस की, मतलब टेक द प्लंज कि इफ यू फील समथिंग
grit inside you or you feel something कि आपने चीज करनी चाहिए. How do you okay. tell the others keep taking so, अब इसकी मैं थोड़ा problem बताऊंगा. I was a consultant for somewhere around 3 to 4 years. Not you. Like थोड़ी सी irony पता लगी. जितने मेरे कुछ clients थे top clients अपनी मैक्सिमम बीवी के जो वेंचर होते थे ना वो संभालने के लिए मेरे को दे देते थे. थोड़े टाइम बाद पता लगा बीवी की बेबी सीटिंग ज्यादा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू एक्शन में कुछ कॉन्क्रीट करने का. व्हेनेवर यू डूइंग अ जॉब करने में कुछ गलत नहीं है पर तुम किसी और के सपने के ऊपर काम कर रहे हो, किसी और की ड्रीम को फुलफिल कर रहे हो. और अगर वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है और अगर उसे सपोर्ट करना भी तुम्हारा ड्रीम नहीं है तो वो जॉब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उससे तुम शादी ना ही करो और निकल ही लो बेटा. बस जॉब की प्रॉब्लम ही है. अगर तुम्हारा ड्रीम नहीं मैच करता उसके साथ तो जितने मेरे असाइनमेंट्स थे कि जिससे मेरी ग्रोथ और मुझे अपना इंडिविजुअली नहीं वैल्यू दे रहा था छोड़ दिया. सिंपल एज दैट. सो एवर अगर जॉब सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो तो बॉस जॉब का फुल फॉर्म क्या है किसी को पता है? जस्ट ओवर ब्रोक. सबसे पहले अगर मेरी हवा निकलेगी ना मैं अपने एम्प्लॉय को निकालूंगा. मेरे पास ऐसे कदम होंगे मैं एम्प्लॉय को निकालूंगा. ऑनेस्टली दैट्स अ हार्ड ट्रुथ. मेरी कंपनी हल्के से लॉस में जा रही है मैं अपना छोड़ो मैं पहले सारे चार पांच सौ एम्प्लॉय निकालूंगा. तो अगर तुम्हें जॉब सिक्योरिटी के लिए तुम जा रहे हो तो सॉरी गलत है. तुम किसी के लिए सैटरडे संडे उठ के काम कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, 9 to 5 नहीं है, रात को 12 बजे भी तुम्हारा बॉस तुम्हें काम कराएगा. हर स्टार्टअप में जिसमें तुम अभी काम करोगे वो तुम्हें रात को 12-1 बजे तक काम कराएगा. तुम कोई भी लॉ फाइल, तुम कोई भी केस फाइल कर लो उसके खिलाफ कि लेबर लॉस के अंदर नहीं आता, ये नहीं आता. सॉरी यार, तुम्हारे अगले बोनस के लिए, तुम्हारी अगली पोजीशन के लिए तुम्हें वो मेहनत करनी पड़ेगी. सो बेटर है यार अपने लिए कर लो. अगर तुम्हारा करियर गोल उसके साथ अलाइन करते तभी करो या तो मत करो. दैट्स इट, सिंपल. Any other questions? Sir, हाँ जी. तीन बात हुआ. Apparently, जो मेरा आखिरी कॉलेज था वो कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और वहाँ पे बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है. मेरी क्लास की टॉपर भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं कर सकते. पर जब पहली बार शुरू हुआ ना तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना कुछ सीखी है तो प्रैक्टिकली दस तो तभी समझ आ गया कि यार नहीं हो. नाम तो मैं पब्लिक नहीं कर लूंगा नहीं बट निकल गया अल्टीमेटली उन केसेस से. समझ आ जाता है प्रैक्टिकली जब गिरते हो. बस सिंपल. हाँ जी बताइए. सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू शुड डू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? ओके, सर्कल. आपकी लाइफ एक सर्कल में है. जो आप रूटीन डेली उठ के और रात तक करते हो वो सारे एक ही चीज है जो आप मंडे टू संडे करते रहोगे. जिन लोगों के आप आसपास रहते हो वही रूटीन है. दैट्स द सर्कल विच यू हैव. अगर आप ड्रॉ करके देखोगे एक वेन डायग्राम में वो सारी वही चीजें होंगी, वही लोग होंगे, वही सब होंगे. गलती से कोई और इवेंट जाके अटेंड करके आ जाओ, किसी और कॉलेज का ही सही, अपने एक सर्कल से बाहर कदम रखिए और आसपास सारी दुनिया ही रहती है. एक ऐसी छोटा सा बताऊंगा. आज से एक साल पहले एक ऐसी इवेंट मैं अटेंड करने गया. इवेंट के अंदर मुझे स्पीकर की तरह बुलाया गया. पता लगता है वहाँ पे सिर्फ 10 लोग थे. देखा यार मैं क्यों करूँ, और तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इवेंट है. ठीक है, तब भी वहाँ गया, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपने सर्कल के बाद. मैं तो ऑफिस में बैठ के काम भी कर सकता था, क्यों वहाँ जाके मुफ्त में जाकर स्पीच दूँ? और जैसे ही वहाँ मैं पहुँचा स्पीच दी दिल से, एक बच्चा वहाँ से उठ कर आया, सर हमने टेड टॉक करा गया और हम चाहते हैं कि आप वो टॉक दें. दूसरा बच्चा उठ गया, सर हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपके साथ. और वो बच्चे वन ऑफ द बेस्ट इंटर्न्स रिटर्न्ड आउट टू बी, और वो टेड टॉक टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ माय बेस्ट. तो उस दिन और आज के दिन तक जितने कॉलेजेस है, जितने इवेंट्स ऐसे होते हैं, I don't know free of cost. That is my outside the circle. या तुम ऑफिस से बैठ के बंद कमरे में लैपटॉप के आगे बैठ सकता हूँ, आप लोगों से मिलो, that's outside my circle. पूरे दिन में कोई एक ऐसी चीज जो आप नहीं करते वो आउटसाइड सर्कल करो. किसी से इंसान से मिलना, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी, कुछ भी, कोई एक किताब पढ़ ली वो भी आपका आउटसाइड सर्कल हो जाएगा, क्योंकि वो एक किताब एक ऐसा आइडिया दे देगी जो शायद आपका फ्यूचर बदल सकता है. That one thing outside circle. 30 days के लिए करके देखो.
छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर जाकर, राइट टू मी ऑन फेसबुक और ऑन माई वेबसाइट कि क्या फर्क दिखा 30 डेज के बाद। हर रोज एक अलग चीज लिखते रहना जो तुम अपने नॉर्मल में नहीं करते। स्पीकर क्लासेस ली थी स्पीकर फोरम में, घर वालों ने बहुत गालियां दी, क्यों स्पीकिंग क्लासेस ले रहा पब्लिक स्पीकिंग की? मैंने कहा नहीं पता, शायद कभी काम आएगा। 4 साल बाद 2 टेड टॉक दे रहा था। लाइफ में डॉट्स अपने आप तभी कनेक्ट होते जाएंगे आपके, जैसे आप वो अपने सर्कल से बाहर चीज करोगे। बस सिंपल है, ओके सर। जैसे तू पीक लिया कोई मूवी देखी तो आदत नहीं क्रिकेट को देखे तो कई लोग जैसे होते हैं तो जोश चढ़ जाता है क्रिकेट खेलोगे या कुछ भी हो उससे रिलेटेड, तो उस स्पीड को सस्टेन कैसे रखना हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट 10-15 मिनट या एक घंटा रहता है किसी के। मैंने पूरा करियर एन जी ओ को कंसल्ट करके बनाया, एन जी ओ से पैसे लेकर। उस करियर में हूँ जिसके अंदर सबने पहले ही कह दिया था कि एनजीओ पैसे थोड़ी देते हैं, और मेरे सबसे बड़े एनजीओ क्लाइंट्स आर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, सबसे ज़्यादा मनी मेंटिंग क्लाइंट्स, सबसे ज़्यादा पैसा एनजीओ सेक्टर में है। नहीं पता तुम्हें क्रिकेट के अंदर कहाँ जाके कहाँ अगर तुम्हारा करियर बन जाएगा, दिल कह रहा है तो पढ़ लो, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट तो नहीं होगा। #NoRegrets। हाँ।